नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश का किया दर्शन पूजन। अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय सुनवाई हेतु पहुंचे वाराणसी के MP MLA कोर्ट। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु निर्वाचन आयोग की ओर से निकाली गई बस यात्रा। और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शहीद हेमू कलानी का मनाया गया शहादत दिवस। और अब खबरें विस्तार से। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश का दर्शन पूजन किया। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। इसमें महिलाएं पुत्र की लंबी आयु व पुत्र प्राप्ति एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान गणेश के दर्शन के साथ ही शाम में चंद्र दर्शन कर पूजन करती हैं। इसी क्रम में भोर से ही लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर का पट खुलते ही हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष सभी प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के जयकारे के बीच हाथों में माला फूल व मिष्ठान का भोग लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे। पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। जगह जगह फलाहार फल फूल सहित बच्चों के खिलौने सहित भगवान गणेश के आकर्षक प्रतिमाओं की दुकानें सजी रहीं, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जो क्रमबद्ध तरीके से लोगों को दर्शन करा रहे थे। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी लोगों से पालन कराया गया। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है, जो कि माघ महीना में चतुर्थी के दिन महिलाएं व्रत पूजन रह के ये दर्शन पूजन करती हैं। आज सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक श्री बड़ा गणेश मंदिर लोहटिया स्थित लाखों की संख्या में भीड़ होती है। महिलाएं दर्शन पूजन करती हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, पति के लंबी आयु के कामना के लिए दर्शन पूजन करके रात को चंद्रोदय के समय व्रत का प्रारायण करती हैं। सुख समृद्धि आदि ऐश्वर्य, पुत्र की लंबी आयु हो, पति की लंबी आयु हो, घर में सुख शांति बनी रहे, इसी के लिए हर अवसर ये महिलाएं ये व्रत करती हैं। कोविड के देखते हुए हमारे कोतवाली पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर लाइन लगाकर, दूरी बनाकर, मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करें, दर्शन पूजन करें और निकलते रहे। और कोविड काल का असर भी है, उतना भीड़ नहीं है जितना हर साल होता था, भीड़ आधा है, उसका असर दिख रहा है। आज गणेश चौथ है, बच्चों की पूजा का दिन है। हम लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा उत्साह होकर हम लोग पूजा पाठ में आए हुए हैं। जिस हिसाब से हम लोग सुने थे उस हिसाब से तो है नहीं, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से फिर भी कोई कोरोना काल की वजह से कोई माना नहीं। कोरोना काल हो या क्या हो, मुझे दर्शन करना है भगवान को जाकर। हम लोग के अंदर इतना श्रद्धा है, भगवान को जाकर दर्शन करना है। अब ये कोरोना काल क्या है, क्यों है, ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों किया जाता है बड़ा गणेश का? बड़ा गणेश का बच्चों के लिए किया जाता है, बेटों के लिए किया जाता है। ये बेटा के लिए है बड़ा गणेश का दर्शन करना, और हम बच्चों के लिए दर्शन करने के लिए आए हैं। अब माएँ होती हैं तो बेटे के लिए तो भक्ति ज़्यादा दिखाती हैं कि मतलब हमारे बेटा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सही रहे, इसलिए बड़ा गणेश का दर्शन किया आए हैं हम लोग। आज गणेश चौथ है और गणेश ये साल में एक बार पड़ता है। कोरोना काल में भी सभी लोग यहाँ पर दर्शनार्थी बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। गणेश जी महाराज की दया है कि इतने लोग दर्शन कर चुके हैं और करके जा रहे हैं। और ये पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के मतलब कि कोई भी संकट ना आवे, लोग अपनी माता अपने पुत्र के लिए ये व्रत रखती हैं और सुख शांति घर परिवार सभी के लिए करती हैं और गणेश जी का दर्शन करती हैं।
अनेक चीज भगवान को चढ़ाती हैं। रात को उनका पूजा होता है, चंद्रमा देख के अर्घ दिया जाता है। यही सुख शांति के लिए गणेश जी का पूजन करते हैं साल में एक बार गणेश चौथ। वहीं लोहटिया बड़ा गणेश मंदिर व्यापार समिति के पदाधिकारी गणेश चतुर्थी पर मंदिर परिसर में सुबह से श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने पुजारियों, सामाजिक संगठन के लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों में लंच का पैकेट वितरित किया। ये आयोजन महामंत्री बच्चा यादव की अगुवाई में सम्पन्न हुआ। जी आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बाबा बड़ा गणेश मंदिर में एक सुबह से जितने भी सुरक्षा कर्मी, व्यापार समिति के जितने भी पदाधिकारी और ब्राह्मण मंदिर समिति के जितने भी लोग इस महिला व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनको व्यापार समिति की ओर से लंच पैकेट का वितरण किया गया है। एक सेवा भाव के लिए कि वो दिन एक सुबह से लेकर के शाम तक लगातार एक पैर पर खड़े रहते हैं, जिसको देखते हुए व्यापार समिति ने यह निर्णय लिया कि उनको लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की है। इसी कड़ी में सोनारपुरा स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर बाबा को पंचामृत स्नान के बाद नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद उनके दिव्य झांकी सजाकर मोदक का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने बाबा को दूर्वा, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर पुत्र की दीर्घायु की कामना की। वहीं इस मौके पर पूरे क्षेत्र में माला फूल सहित भगवान गणेश की प्रतिमा की दुकानें लगी रही। आज गणेश जी का जन्मदिन है, माघ कृष्ण चतुर्थी, इसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। माघ मास का है, मकर संक्रांति के बाद आता है। इसका ये सबसे बड़ा उपयोग है, तिल का लड्डू आज गणेश जी के दिन चढ़ता है। तिल का लड्डू जो चढ़ाते हैं उनके मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं। गणेश जी में इसमें कहा गया है नारद पुराण में, विद्या धनार्थ ही लभते धनम, पुत्रार्थ ही लभते पुत्रान, मोक्षार्थ ही लभते। आज सब महिलाएं निराजल व्रत ग्रह के, आज चंद्रोदय 8:40 पे है। चंद्रोदय के समय अर्घ दे के तब भोजन करती हैं, पानी पीती हैं, तब तक व्रत रहती हैं। आज जो भी व्रत रहता है गणेश जी का, उसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र, धन प्राप्ति के लिए धन, और बच्चों के लिए, पति के लिए, विवाह के लिए आज के दिन जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है। आज गणेश जी का जन्मदिन है, माघ के बाद पड़ता है, इसलिए इसमें तिल का बड़ा विशेष है। तिल का लड्डू आज गणेश जी को चढ़ता है। अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय वाराणसी के MP MLA कोर्ट में सुनवाई हेतु पहुंचे। चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई अवधेश राय की हत्या में मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय शुक्रवार को वाराणसी कचहरी पहुंचे। वाराणसी स्थित MP MLA कोर्ट में हुई सुनवाई के समय अजय राय को सुरक्षा कवर नहीं मिला। इस बात से वे आक्रोशित दिखे और इसे कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताया। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि अवधेश राय हत्याकांड में मैं मुख्य गवाह हूं और मुख्तार अंसारी आरोपी है। इसकी सुनवाई मेरी अपील के बाद वाराणसी MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर की गई है। ऐसे में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मुझे हर पेशी पर सुरक्षा कवर प्रदान करने का आदेश दिया है, पर आज भी वाराणसी जिला प्रशासन या पुलिस ने मुझे कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। पूर्व विधायक ने कहा कि ये पूरी तरह से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। वहीं इस दौरान अनुज यादव, मनीष राय, अमनदीप, विकास सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। नहीं, ये लगातार MP MLA कोर्ट के जज साहब के यहाँ पर हमारी लगातार ये मुकदमा चल रहा है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। उसमें प्रमुख गवाह हूँ और उसमें गवाही हो चुकी है, जिरह की कार्रवाई चल रही है। जो पहले इलाहाबाद चलता था प्रयागराज में, वो बनारस MP MLA कोर्ट आ गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सुरक्षा जो दी जाती रही है, वो सुरक्षा मालूम नहीं, आज बिना कोई सुरक्षा आज नहीं मिली। और आज हम लोग कोर्ट में पेश हुए हैं माननीय जज साहब के समक्ष, और अपनी चीज़ों को जो वहाँ पर आकर हम लोगों ने जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम लोगों ने प्रारंभ। आपने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी से आपको खतरा है, उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था है, तो किसके इशारे पर लग रहा है कि ये सुरक्षा नहीं? अब क्या बोला जाए, ये लगातार माननीय न्यायालय के निर्देश के, स्पेशल कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर सुरक्षा नहीं दी गई, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से बहुत एक असंवेदनशील ये मामला सामने आ रहा है। कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के ये है कि इसमें जो भी गवाह हों इस तरीके के, उनको पूरी सुरक्षा दिया जाए, उनको सुरक्षा कवर दिया जाए। और निश्चित तौर से ये चुनाव का समय चल रहा, मैं कैंडिडेट भी हूँ,
पिंडरा से, उसके बावजूद भी मैं न्यायालय के आदेश जो है उसका पालन करते हुए मैं आ रहा हूँ और निश्चित अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये व्यवस्था मुझे नहीं दी गई। मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था की जा रही है ठीक नहीं, उचित नहीं है, ये जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, निश्चित तौर से कोर्ट का आदेश है, आप देख सकते हैं माननीय MP MLA कोर्ट के आदेश के बावजूद ये सुरक्षा नहीं दी गई, तो निश्चित तौर से कोर्ट की अवहेलना है। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु निर्वाचन आयोग की ओर से बस यात्रा निकाली गई। वाराणसी के जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा है उस क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बस यात्रा निकालकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि इस बार 7 मार्च को विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करें और एक नारा दिया गया, इस बार 80 पार पहले मतदान फिर जलपान। इस बस को मुख्य विकास अधिकारी तथा निर्वाचन आयोग वाराणसी की ब्रांड एम्बेसडर नीलू मिश्रा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर NCC के बच्चों के साथ रवाना किया गया। आज ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से वाराणसी जनपद में मतदाता एक्सप्रेस आई है, जिसका अभी शुभारंभ हमारे मुख्य विकास अधिकारी जो नोडल अधिकारी स्वीप उन्होंने किया। ये मतदाता एक्सप्रेस न्यूनतम जो पोलिंग बूथ हमारे जहां मतदान प्रतिशत कम रहा है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में जा रही है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। हम लोग की 7 मार्च को वाराणसी में हमारा मतदान दिवस है और इसमें जो गाने, स्लोगन और वीडियोज़ वगैरह हैं वो लोगों को दिखाए जाएंगे। हमारे छात्र छात्राएँ NCC और स्काउट गाइड के सभी नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स के माध्यम से काशी की जनता को अपील करेंगे कि हम 7 मार्च को मतदान करें। ये रूट वाराणसी UP कॉलेज, हमारे डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज से शुरू की गई है, विकास भवन, फिर अभी कटिंग मेमोरियल में जाएगी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, आर महिला डिग्री कॉलेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उसके बाद नगर निगम सिगरा पे, फिर लास्ट में ये BHU में जाएगी, BHU के बाद पिंडरा विधानसभा में नेशनल इंटर कॉलेज से इसको फ्लैग ऑफ करके जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना किया जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शहीद हेमू कलानी का शहादत दिवस मनाया गया। शहीद हेमू कलानी के शहादत दिवस के अवसर पर मालवी मार्केट स्थित पार्क में हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने हेमू कलानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल मंत्री राहुल यादव, बाबू यादव, शिवांशु यादव, करण विश्वकर्मा, राहुल, अभिषेक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हम लोगों ने ये हमारे देश के महान पुरुष हेमू कलानी जी जो हमारे छोटे से उम्र में देश का नाम रोशन कर गए और इनके शहादत दिवस पर हम लोगों ने इनको श्रद्धांजलि देते हुए शहादत दिवस पे सर सर नमन किया और इनके बताए हुए रास्ते पे आगे चलने का शपथ लिया हूँ और इनके मार्ग पे हमेशा चलता रहूँगा और सबको आगे राह दिखाता रहूँगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा शिक्षक सभा कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राय प्रियदर्शी के द्वारा शिक्षक सभा कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना की बहाली व वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की घोषणा पर संजय राय प्रियदर्शी ने कहा कि हम अखिलेश यादव को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं एवं शिक्षकों का आह्वान करते हैं कि समाजवादी सरकार बनाकर अपने भविष्य का निर्धारण करें। बैठक में विकास कुमार बिंद, प्रकाश साहनी, रमा शंकर तिवारी इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हम सभी समाजवादी शिक्षक सभा के साथियों का अधिकारियों को आज आमंत्रित किया गया था। कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो शिक्षक समाज सबसे बड़ी मांग थी, लड़ाई लड़ रहे थे अनेक संगठनों के द्वारा कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, वित्तवीन शिक्षक साथियों को सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाए, क्योंकि कोविड काल में इस संक्रमण काल में देखा आप लोगों ने कि स्कूलों के बंद होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी पर पड़ा है तो वह वित्तवीन शिक्षकों के ऊपर पड़ा है। ऐसी दशा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनको सेवानिवाली बनाते हुए सम्मानजनक मानदेय देने
के लिए सहमति व्यक्त की है कि सरकार बनते ही वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मान दे दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, साथ ही साथ जो है कैशलेस उपचार व्यवस्था भी शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षक समाज लाभान्वित होगा। शिक्षक समाज से हम लोग आह्वान करते हैं कि वो आकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग करें, क्योंकि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा। अनेक संगठनों ने लगातार आंदोलन किए, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ही एकमात्र इस पर विचार किया है और उनको मानदेय देने के लिए तैयार है। तो सभी साथी उनको मतदान करके मुख्यमंत्री बनाए और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाए। टीवी कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर की रीलॉन्चिंग की गई। आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर की रीलॉन्चिंग की गई। रीलॉन्चिंग की मुख्य अतिथि टीवी कलाकार, भरतनाट्यम नर्तिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने तथा गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हम सभी को अपने शरीर की जांच समय समय पर अवश्य करवानी चाहिए, जिससे हम सभी किसी भी बीमारी को गंभीर बीमारी न बनने दें, जिसकी जानकारी जांच करने से ही मालूम होगी। लंका क्षेत्र में आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर की रीलॉन्चिंग की गई है, जहां अत्याधुनिक मशीनों द्वारा लोगों की जांच की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अमित इत्यादि लोग शामिल रहे। देखिए, जैसे ट्रू होप मार्केटिंग सॉल्यूशन ने कहा कि 50,000 जॉब्स को ये 50 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपने ही तरीके देखना है, अपने एंटरप्रेन्योर मॉडल को बढ़ाना है। ये पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है, और आयुष डायग्नोस्टिक सेंटर का रीलॉन्चिंग हो रहा है, और उसके साथ ट्रू मार्केटिंग सॉल्यूशन साथ में जुड़ा हुआ है। और इससे एक नया मकाम होगा कि सही डायग्नोसिस। देखिए, कभी कभी तो मेरे ये भी हुआ है कि कहीं से हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और दूसरे लैब से हम कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं। हमें सही डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। आई बिलीव उत्तर प्रदेश जैसा एक स्टेट, जैसे डॉक्टर आरपी सिंह आयुष के, उन्होंने कहा कि हम अपने सैम्पल्स क्यों अपने स्टेट से बाहर भेजें, क्यों नहीं हम अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और अपने आप में आत्मनिर्भर हों, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेट है। ये देश की वो स्टेट है जो यहाँ से प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ जो जीतता है वो सेंटर में अपना पार्टी बनाता है। तो क्यों हमारी तरफ अनदेखा है? हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट या पब्लिक। आई बिलीव ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे तो हम स्वस्थ बनेगा इंडिया, तभी हम उन्नति। विशाल भारत संस्था द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। विशाल भारत संस्थान लम्हे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भारत संस्था लम्हे के कार्यालय से बच्चों द्वारा एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार, अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह नेतृत्व डॉक्टर राजीव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भारत संस्था, संयोजक नजमा परवीन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विशाल भारत संस्थान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का जायजा लिया गया, साथ ही बलवा ड्रिल का रिहर्सल कराया गया। पुलिस अधीक्षक चंदौली अंकुर अग्रवाल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड हेतु महेंद्र टेक्निकल कॉलेज के मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया तथा आगामी विधानसभा चुनाव एवं अन्य परिस्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनने पर नियंत्रण के लिए बलवा ड्रिल का रिहर्सल कराया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के दंगा आदि की स्थिति में दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए पानी की बौछार करना, घुड़सवार पुलिस की कार्रवाई, आंसू गैस के गोले छोड़ने, केन चार्ज, लाठी चार्ज, रबर बुलेट फायरिंग आदि का सिलसिलेवार अभ्यास करवाया गया।
आगजनी और लोगों के घायल होने की स्थिति में मदद के लिए सांकेतिक रूप से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी अभ्यास में शामिल हुई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक सहित अन्य संबंधित द्वारा सभी को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश के साथ ही ये भी बताया गया कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है और क्या कार्रवाई करना चाहिए, साथ ही जरूरत पड़ने पर एक्शन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। जनपद के सभी थानों पर मौजूद शस्त्रों व दंगा नियंत्रण उपकरणों की साफ सफाई कर उसके उचित रख रखाव एवं उनके उपयोग के संबंध में सभी पुलिस कर्मियों को पूर्ण जानकारी देने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा सभी प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देश दिए गए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश का किया दर्शन पूजन। अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह पूर्व विधायक अजय राय सुनवाई हेतु पहुंचे वाराणसी के एमपीएमएलए कोर्ट। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु निर्वाचन आयोग की ओर से निकाली गई बस यात्रा। और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शहीद हेमू कलानी का मनाया गया शहादत दिवस। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।